बहुत सालों इंतजार करना पड़ा मुझे तुम्हें पाने के लिए, लेकिन आखिरकार तुम और तुम्हारी पूरी शक्तियां मुझे मिल ही गई। अब ये बुराई का मुखौटा हर बच्चे के चेहरे पे होगा और हर अच्छा बच्चा बुरा बच्चा बन जाएगा। और अब बुराई की जीत होगी। अरे तो है देर किस बात की, दीजिए आदेश इस मुखौटे को और लगा दीजिए इसे हर बच्चे के चेहरे पे। ऐसा ही होगा तौबा तौबा, लेकिन इतने सालों तक ये जमीन के अंदर दबा था, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझे इसका परीक्षण करना होगा कि अब भी इसमें उतनी बुरी शक्तियां हैं या नहीं। तौबा तौबा, नहीं नहीं चलपरी, नहीं पहनूंगा मैं ये मुखौटा। तुम तो पहले से ही बुरे हो, तुम पे इसका क्या असर होगा, इसलिए इसका परीक्षण तो मैं बालवीर के चहेते मानव या मेहर पर करूं, क्योंकि अगर वो अच्छे और सच्चे बच्चे बुरे बन सकते हैं तो बाकी बच्चे तो बहुत आसानी से बुरे बन जाएंगे। कुछ पता चला क्लास में लगे हुए स्पीकर कैसे खराब हो गए? सर चेक कर रहा हूं। लीजिए, हो गए। एक बार माइक टेस्ट कर लेता हूं कि आवाज बाहर जा रही है कि नहीं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो, हाँ आवाज बराबर आ रही है। चलो ये तो हो गया, अभी दूसरा बॉक्स चेक कर लेता हूँ। सर ये माइक संभालिए। लेकिन संभाल के करंट मारता है? नहीं नहीं, माइक खराब है ना, बंद नहीं होता है, इसलिए आप जो भी कहोगे ना वो स्पीकर पे बाहर सबको सुनाई देगा। अच्छा अब चलो। अब मैं इसका क्या करूं, मुझे भी स्टाफ रूम में काम है, अब यही रख देता हूं। हेलो, फिफ्थ क्लास का पेपर भी बनाना है। मेहर कब से चला रही है बता ना, क्या होता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन? ठीक है बाबा, बताती हूँ कि क्या होता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन। दूसरे का रूप लेना, उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी तरह दिखना, उसे कहते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अच्छा समझ गया, वेरी गुड। चल मैं एक मिनट रुकना। अब क्या हुआ? नहीं समझा, मेरा मतलब है वो समझा लेकिन ये नहीं समझा कि रूप बदलना, किसी की तरह कपड़े पहनना, मतलब। बल्लू लल्लू मैं तुझे समझाती हूँ, उदाहरण देकर समझाती हूँ। याद कर जब बालवीर आया था तब उसने मोंटू को जोकर बनाया था। हाँ लड़की बनाया था। हाँ फिर बंदर और तो और मुर्गा भी बनाया था। हाँ पक पक पक। बस ये मानो महल मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? सच हुँ? मेरा मतलब है कि अब में एक टैलेंट है, एक हुनर है, ना बंदर बनना, जोकर बनना, मुर्गा बनना और लड़की भी बनना कोई मामूली बात नहीं है। चुप। शाबाश रोहित, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे बस आप भी चुप रहो और सुन लो, मानो मेरा पापा क्या मजाक उड़ा रहे। अच्छा तो वो दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे और तुझे मजा आ रहा है? हाँ बस बहुत मजा आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा तो मोंटू का रूप बदलना यानी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है? अरे नहीं, वकील बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, उसे कहते हैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। लेकिन मेहर
मोंटू ये कॉम्पिटिशन एसएलसी जीत सकता है। हाँ, क्योंकि वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बड़े आराम से गैस का सिलेंडर बन सकता है। मानव थोड़ा धीरे बोल, क्योंकि अगर मोंटू ने सुन लिया ना तो वो हमारे साथ लड़ाई करेगा। लेकिन मैं तुम डर मत, वो गैस का गोबर है उड़कर नहीं आएगा, और अगर आएगा भी ना हम उसमें छेद कर देंगे। चलो छेद तो हम करेंगे मानव, इतने छेद करेंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि वो छेदी लाल है या आप गैस के गुब्बारे। चुप, ढूंढो उन दोनों को। संभाल के गिरने ना पाए। हूँ मैं तुम्हारा सेनापति, करते तुम मुझसे बातें ऐसी। डूबे डूबे चाय, ऐसा मत बोलो, ये हमारे सेनापति हैं। शाबाश डूबा डूबा तीन, संभालना गिर ना पाए। तुम भी रुको रुको सब लोग, ये क्या हो रहा है? देखो इन दोनों को लड़ा रहे मुझसे जवान, उबा यहाँ का सेनापति। डूबा डूबा एक, ये हमारा सेनापति है, पड़ेगी माननी उसकी बात। सीखो इनसे कुछ सीखो। और डूबा डूबा एक, संभल कर गिरने ना पाए। चलो रुको। अच्छा ये बताओ, है चमक रहा ना ये शंख तुम्हारे चेहरे से ज्यादा? हाँ है ठीक। हाँ अच्छा, अब हो गया ये शंख कल की सूर्य पूर्णिमा के लिए एकदम तैयार। डुबा डुबा है, वैसे कर तो दी तुमने इसकी सफाई, पर देख तो लो ये बज भी रहा है या नहीं। अरे हाँ, नहीं नहीं है नहीं मुझे आदेश इसे बजाने का। परियों ने नहीं दिया होगा आदेश। हाँ वैसे कहाँ बजा पाते तुम इस शंख को, क्योंकि इसे बजाने में लगती है बहुत सारी शक्ति। और वैसे कहाँ है तुम में इतनी शक्ति? अब देखो कैसे हूँ बजाता इस शंख को मैं। चुप! क्या हुआ डूबा डूबा एक? कर रहा था मैं कोशिश इस शंख को बजाने की। जाने दो डूबा डूबा एक, जाने दो डूबा डूबा, ये तुमसे नहीं होगा, मेरा मतलब कि किसी भी डूबा डूबा से नहीं होगा, इसलिए गालपरी ने दिया है गुब्बारा। हाँ, और इसे लगा देना है इसके पीछे। अब इस गोले में से जो हवा निकलेगी ना, तो ये शंख बजने लगेगा। हाँ तुम्हें इस बात का पता? हाँ। यार तुमने मेरे साथ मजाक। देखी ससा। कितनी रोमांचक होगी ये रूप बदलो प्रतियोगिता, मुझे भी इसमें हिस्सा लेकर कुछ खास बनना चाहिए, लेकिन मैं क्या बनूं? हाँ एक काम करता हूँ, परीलोक जाता हूँ और नटखट परी से इस बारे में मदद लेता हूँ। मानो मैं, अब मेरा हो गया, मैं हाथ धो के आता हूँ। ठीक है।
वो रहे मानव और महर। अभी उन पे मैं अपने जादुई मुखौटे का परीक्षण करती हूँ। बस मैं मेरा हो गया। क्या हुआ महर? ये देख कितना अजीब और डरावना मास्क है। मानव, मैं अभी इसे पहनकर दिखाती हूँ, ठीक है? अब आएगा मजा। इस मुखौटे को पहनते ही महर अच्छी बच्ची से बुरी बच्ची बन जाएगी और शैतानियां करने लगेगी। माना महर, मोंटू तुम्हारी पिटाई करने के लिए तुम्हें कब से ढूंढ रहा है? क्या? पर क्यों? तुमने उसे मोंटू गैस का गुब्बारा बोला था ना, तो सारे स्कूल ने और मोंटू ने भी सुन लिया स्पीकर से। मानव भाग! देख मोंटू, हमसे लड़ाई मत कर वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगी। देख मैं आज मैं तुम दोनों को नहीं पीटूंगा। बस बालवीर से डर गए। देखो मैं मुझे बोलने दोगे? देखो मैं, तुमने पूरे स्कूल के सामने मेरा मजाक उड़ा। वैसे ही कल की फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। हर साल हम ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जीतते आ रहे हैं और इस साल भी हम ही जीतेंगे। चैलेंज चैलेंज एक्सेप्टेड मिस महर। चलो रे। रोहन महर मोंटू फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जीतने के लिए चीटिंग जरूर करेगा। वो जो करना चाहता है वो करे, लेकिन हम अपनी मेहनत से ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जीतेंगे। महर मैं हाथ धो के आता हूँ। ठीक है जा। ये ले। ए ए ए डरावना मास्क यहाँ पर कैसे आ गया?
मैं भी ना बेकार में डर रहा हूँ उसे, और वैसे भी ये थोड़ी ना मुझे खा जाएगा। परेशान करने का बहुत मन कर रहा है, तो हो जाए। जाओ मानव जाओ और बजाओ बुराई और शैतानियों की ऐसी धुन जिसे सुनकर सब परेशान हो जाएं। और है चलते हम भी मानव के पीछे, क्योंकि हूं मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक। एक सच्चे और अच्छे बच्चे को शैतानियां करके बुरा बनते हुए। चलो क्या कर रहे हो तुम लोग, भागो चलो। कैसे बच्चे? ए विजय रिसर्च खत्म हो गया है, जा जा करके घंटी बजा दे। जा अभी बजा दो। हाँ घंटी नहीं बैंड बजेगा, वो भी तुम्हारा।